हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और कल तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तबीयत तो मेरी आज भी ठीक नहीं है, मगर फिर भी जो है मैं आप लोगों के लिए, वो बीच में फिर रिदम टूट जाता ना, आपका भी मेरा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, ये जो मैं सीरीज़ जो है अब आप लोगों का, आपको पता है कि ये आप सेंटर्स तो जीआईसी के आ गए हैं, बहुत दूर आए हैं, और जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू देम। और वैसे भी ये जो है 14th को भी जो DSSSB का एग्ज़ाम है, ये जितना भी मैं करवा रही हूँ, नॉट ओनली इन वन एग्ज़ाम, ये बाकी के एग्ज़ाम्स में भी बहुत आपके यूज़फुल होगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़िए ध्यान से, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ऐसे राइटर हैं जिनको ऑस्कर और नोबल दोनों मिला है, और उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जब नोबल प्राइज़ मिला था, ही वॉज अनविलिंग टू एक्सेप्ट द अवार्ड। वो अवार्ड लेना नहीं चाहते थे, मगर अपनी वाइफ के कहने पे उन्होंने अवार्ड तो जो है एक्सेप्ट करा, बट उन्होंने जो अवार्ड मनी थी वो लेने से मना कर दिया। मतलब वन ऑफ हिज काइंड, अपने तरीके के ही एक थे। ये कहा जाता है कि नोबल प्राइज़ तो उनको जो मिला है सेंट जॉन के लिए मिला है, और जो ऑस्कर था वो मिला था पिग्मेलिन के लिए। पिग्मेलिन पर एक मूवी भी बनी है, तो इस पे ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन से वर्क पे क्या मिला है। तो ये एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ है कि भाई पिग्मेलिन पे मिला है कि सेंट जॉन पे मिला है। तो ये माना जाता है कि सेंट जॉन पे उनको नोबल मिला है, ऑस्कर पिग्मेलियन पे मिला है क्योंकि पिग्मेलियन पर एक मूवी बनी है माय फेयर लेडी। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। तो अब इसी चीज़ को मैं आपको बताती हूँ। जी बी शॉ जो थे वो एक आयरिश प्ले राइट थे, ही वॉज नॉट एन इंग्लिश प्ले राइट, ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट। एंड हिज फ्रेंडशिप विद विलियम आर्चर लेड टू देयर कोलेबरेशन ऑन द क्विंटिसेंस ऑफ इब्सनिज्म। वो ही लाइक्ड वेरी मच हेनरी इब्सन, जिन्होंने अ डॉल्स हाउस लिखी है, वो उनके जो रियलिस्टिक मेथड था उससे ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। और इन्होंने आर्चर के साथ, विलियम आर्चर के साथ मिलकर उन्होंने कोलेबरेशन करा था क्विंटिसेंस ऑफ इब्सनिज्म। और ये जो वर्क है द क्विंटिसेंस ऑफ इब्सनिज्म, इसी से ये एक मैनिफेस्टो बन गया था। इट बिकेम अ मैनिफेस्टो फॉर शॉज वर्क, फॉर शॉ वर्क, फ्यूचर वर्क एज अ प्ले राइट। भाई देखिए, उन्होंने एज अ प्ले राइट अपनी शुरुआत नहीं करी थी, बट ये क्विंटिसेंस ऑफ इब्सनिज्म ने एक एक ग्राउंड तैयार कर दिया था उनके एक फ्यूचर प्ले राइट बनने के लिए। और क्योंकि उन्होंने इसमें इब्सन के जीनियस को एडवोकेट किया है। उनके वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो उनका वर्क है विडोअर्स हाउस, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रॉपर्टी को पे, जो गरीबों को प्रॉपर्टी देकर उस पर एक व्यक्ति जो है रेंट लेता है, तो इट इज़ नॉट लाइक्ड। ये एक विग्रस अटैक है ऑन स्लम लैंडलॉर्डिज्म, कि भाई जैसे गरीब लोगों को उनको घर दिया जाता है, कैसे उनसे उगाही की जाती है। इट दिस प्ले वॉज फॉलोड बाय वॉरेंस प्रोफेशन, इसके बाद आया था वॉरेंस प्रोफेशन 1893, प्रोड्यूस 1902, एंड द फिलेंडर आर्म्स एंड द मैन, जब इन्होंने लिखा, ये अपने करियर की पीक पर थे। एंड ये जो है विच विटिली सबवर्टेड द कन्वेंशनल, इसमें उन्होंने दो चीज़ों का मजाक उड़ाया, वॉर एंड लव। उन्होंने दोनों को ही शैम कहा है, क्योंकि वॉर जो है इट इज़ नॉट, ये कोई ग्लोरियस चीज़ नहीं है, एंड लव चेंजेस विद द सर्कमस्टांसेस। तो इन्होंने इसमें ये दिखाया है कि वॉर एंड लव को जितना एग्जैजरेट करा जाता है, रियली में इतना एग्जैजरेट उनको नहीं करना चाहिए, बिकॉज बोथ आर शैम। ये शॉ जो है ये एक आइकोनोक्लास्ट थे। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है इमेज ब्रेकर, तो ये इमेज तोड़ा करते थे। और इन्होंने इसमें कन्वेंशनल व्यू ऑफ मेल गैलेंट्री की, वो जो युद्ध में जाते हैं, जो योद्धा होते हैं, दे आर गैलेंट्स, उन्होंने उस चीज़ को, उस इमेज को ब्रेक किया है। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज आइकोनोक्लास्ट। और ये जो है ये प्ले पहली बार पब्लिकली दिखाया गया था, बाकी के प्लेज जो हैं वो सेंसर्ड के थे, तो इसीलिए वो पब्लिकली नहीं दिखाए गए थे। ब्लंचली वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अनहीरोइक एंटी हीरोज। ब्लंचली जो कि आर्म्स एंड द मैन का हीरो है, वो अनहीरोइक होते हुए भी हीरोइक है। ये एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर, इनको टाइटल दिया गया था चॉकलेट क्रीम सोल्जर।
ये एक मर्सिनरी सोल्जर हैं जो पैसे के लिए लड़ते हैं बुल्गारिया और सर्बिया के बीच में। ये जो है ये दिखाया है सर्बो क्रोएशियन वॉर इन 1885। और जो बहुत ये जो वॉर है ये 20th सेंचुरी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद उन्होंने कैंडिडा दिखाया है, कहीं ना कहीं ये प्यूरिटन स्पिरिट को दिखाता हुआ है, जिसमें अ वुमन इज कॉट बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर लवर एंड द लवर इज़ फार मोर जूनियर टू जो है वो बहुत उम्र में छोटा है वैसे भी, और लेकिन वो चुनती है कैंडिडा अपने हस्बैंड को चुनती है। तो सॉर्ट ऑफ प्यूरिटन स्पिरिट और विक्टोरियन स्पिरिट को जो है उन्होंने इसमें दिखाया है। एंड ये प्रो फेमिनिस्ट है, नोन टूडे एज अ प्रो फेमिनिस्ट, द डेविल्स डिसाइपल द इन मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन जो है शॉ का जो सब टाइटल है दैट्स कॉमेडी एंड अ फिलोसफी। शॉ ने इसमें आइडियाज बताए हैं लाइफ फोर्स, और जो थर्ड एक्ट है इस प्ले का डॉन जुआन इन हेल ये अलग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा इनका एक प्ले है सीजर एंड क्लियोपेट्रा, नॉट एंटनी एंड क्लियोपेट्रा विच वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, दैट इज सीजर एंड क्लियोपेट्रा। इन दिस प्ले ही हैज़ क्लियरली मैंशनड दैट क्लियोपेट्रा केम टू सीजर ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ हर पॉलिटिकल मोटिव्स एंड नॉट आउट ऑफ लव, कि वो जो है प्रेम की वजह से नहीं आई थी बल्कि वो शीयर उसका एक पॉलिटिकल मोटिव था। एंड ही वॉज एन आइकोनोक्लास्टिक ड्रामेटिस्ट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड सेंट जोन ये वही वर्क है जिसकी वजह से कहा जाता है कि उनको नोबेल प्राइज मिला, दैट केम इन 1923। ये जोन ऑफ आर्क के ऊपर लिखा गया है, और ये जो ये इमेंस आर्ग्यूमेंट बिटवीन फ्यूडल माइट चर्च लॉजिक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिज्म ऑफ द मेड ऑफ फ्रांस, जो कि जोन ऑफ आर्क जिसने जिसको विजन्स आते थे और फ्रांस की जीत के बारे में जो प्रेडिक्ट किया करती थी, इज़ अ लाइवली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द करियर एंड ट्रायल ऑफ जोन ऑफ आर्क। ये जोन ऑफ आर्क के करियर के बारे में बताता हुआ वर्क है, इन विच द सेंट फेस्ड विद द क्रूअल प्रॉस्पेक्ट ऑफ द इंक्विजिशन एमर्जेस एज अ मार्टियर, कि वो कैसे उनको मार दिया जाता है बिकॉज ऑफ फेथ, और कि वो एक मार्टियर का तमगा है वो हासिल करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एप्पल कार्ट। ये एक कॉमेडी है जो कि एक इमेजिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इंग्लैंड में बताती है, सेट इन मॉडर्न टाइम्स। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। शॉ जो हैं वो कौन से ड्रामेटिस्ट थे? तो शॉ ड्रामेटिस्ट थे, ही वॉज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट। तो आयरिश ड्रामेटिस्ट शॉ वॉज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शॉ वॉज रिजेक्टेड बाय अ वुमेन, he described her as the greatest orator in England, she was the president of the theosophical movement, she joined the Fabian society in 1885, her name was, that was Annie Besant. Shaw was rejected by Annie, halanki Shaw ke bahut sare love affairs the, but he was rejected by this woman. Shaw's first play Widower's House was co-written with Shaw का जो play थे Widower's House वो लिखा था, जो उसमें slum landlordism पे बताया है वो William Archer के साथ मिलकर उन्होंने लिखा था। And the next question is, who opines that marriage is all about two person who accept slavery to one अनदर। शॉ के विचार आम दुनिया से बिल्कुल अलग थे, तो इनका मानना था कि भाई शादी का मतलब यह है कि दो लोग जो हैं एक दूसरे की दास्ता को एक्सेप्ट करते हैं, हाउ ट्रू इट इज़। तो ये जो है दैट इज़ बर्नार्ड शॉ, ये मतलब उनके हिसाब से ट्रू है। वॉट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले द एप्पल कार्ट? एप्पल कार्ट की जो थीम है वो है द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ, ये मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाता हुआ है, द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इज द थीम ऑफ एप्पल कार्ट। इफ यू कैनॉट गेट रिड ऑफ द फैमिली स्केल्टन यू मे एज वेल मेक इट डांस, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये इफ यू कैनॉट गेट रिड ऑफ, भाई फैमिली स्केल्टन से अगर आप नहीं छुटकारा पा सकते तो मेक इट डांस, ये लाइन्स ली गई हैं इमेच्योरिटी से ली गई हैं। To which of his novel Shaw called a novel with a purpose? किस novel को Shaw ने novel with a purpose कहा है? That is Love Among the Artists.
विच प्ले ऑफ शॉ हैज अ सोल्जर एज इट सेंट्रल कैरेक्टर? अनहीरोइक हीरो, आर्म्स एंड द मैन का, ब्लंट शिली इज द सेंट्रल कैरेक्टर, दैट इज आर्म्स एंड द मैन. In which of Shaw's plays Chocolate Cream Soldier appears? That is Arms and the Man. Oscar Strauss wrote a musical comedy, The Chocolate Soldier, based on a play of Shaw. एक क्वेश्चन तो वैसे ये भी है, Chocolate Soldier किसने लिखी है? That is written by Oscar Strauss. और ये क्विज पर बेस्ड है, that is based on Arms and the Man. George Orwell said was written when Shaw was at the height of his powers. As a dramatist, it is probably the wittiest play he ever wrote. Which play of Shaw is being referred here? George Orwell ne Arms and the Man ke bare mein ye kaha hai ki when Shaw wrote it, he was at the pinnacle of his career. Aur matlab bahut witty play hai ye. The phrase Don Juan in Hell occurs in Shaw. ये जुआन है, J-U-A-N. Don Juan in Hell ये आता है Man and Superman में, जो मैंने ये बताया भी था कि ये जो पार्ट है ये अलग से भी जो है वो दिखाया जाता है मैं Don Juan in Hell. Which Shaw's play was famed by the name My Fair Lady? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि शॉ ने जो प्ले लिखे हैं सेंट जॉन के लिए उन्हें नोबल मिला है ऐसा माना जाता है, और पिग्मेलियन के लिए उन्हें ऑस्कर मिला है. पिग्मेलियन पे जो मूवी बनी है उसका नाम है माय फेयर लेडी. इन विच प्ले ऑफ शॉ प्रोफेसर चेंजेस द लाइफ ऑफ अ फ्लावर गर्ल? ये कहानी है पिग्मेलियन की. पिग्मेलियन की कहानी जो ली गई है, इसमें एक किंग है, वो एक स्टैचू बनाता है और उस स्टैचू के वो प्रेम में पड़ जाता है. वीनस उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करती है, उस स्टैचू में जान आ जाती है. तो ये कहानी है पिग्मेलियन की, यही सेम. ये पिग्मेलियन जो है किंग जिसने एक स्टैचू बनाया था, और इसमें एक प्रोफेसर है जो एक फूल बेचने वाली लड़की की ज़िंदगी चेंज कर देते हैं, उसको एक लेडी बनाते हैं, उसको फिनेटिक साउंड्स, उसको प्रोनंसिएशन सिखाते हैं, कैसे वो जो एक सभ्य सुसंस्कृत समाज में अपनी भाषा, अपने व्यवहार से एक अलग ही पहचान बनाती है. तो ये पिग्मेलियन की कहानी है. In which play of Shaw dramatized the Greek myth of a sculptor, that was a king, Pygmalion, who fell in love with an ivory statue, जो एक हाथी दांत के स्टैचू के प्रेम में पड़ जाता है, और जो उसकी प्रेयर करने पे वीनस के द्वारा वुमेन में परिवर्तित हो जाता है. इस प्ले का नाम है दैट्स पिग्मेलियन. इट इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड. And the next question is, which play of Shaw has a subtitle, a comedy and a philosophy? इसका आंसर है Man and Superman. तो ये है आपका आज का छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक जो है मैंने आज शॉर्ट और उसमें लिया है. माफ़ कीजिएगा, आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए काफ़ी कुछ ज़्यादा लंबा, मतलब क्वेश्चन तो मैं 30-40 कर देती मगर मुझसे इतने ही मैं आज कर पाई. थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल.